वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के न्यू अपडेट के सारे न्यू चीट कोड बताने वाला हूँ। जैसे कि TRX डायनासोर का चीट कोड, साथ में स्पाइनासोरस डायनासोर का चीट कोड और साथ में आपको RGS टूल के सारे न्यू फीचर भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं आपको स्पाइनासोरस डायनासोर का चीट कोड बता देता हूँ कि स्पाइनासोरस डायनासोर का चीट कोड न्यू अपडेट में क्या होने वाला है। तो चलो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं आपको फटाफट स्पाइनासोरस डायनासोर का चीट कोड बता देता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप गेम के अंदर 52 डायल करोगे, 52 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर स्पाइनासोरस डायनासोर स्पॉन हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बार स्पॉन करके बता देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से या आप लोग 52 के चीट कोड से अपने गेम के अंदर अपने स्पाइनासोरस डायनासोर को स्पॉन कर सकते हो। और दोस्तों अपनी सेकंड गुड न्यूज है अपने न्यू थार का चीट कोड। तो चलो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको न्यू थार का चीट कोड भी बता देता हूँ। और दोस्तों आपके काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि ओल्ड थार को रिमूव मत करो। तो दोस्तों अपने रोहित सर ने अपने न्यू अपडेट के साथ में न्यू थार के साथ और ओल्ड थार को भी रिमूव नहीं किया है, उसका चीट कोड भी मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। तो चलो उससे पहले बात कर लेते हैं अपनी न्यू थार का चीट कोड क्या होने वाला है। तो न्यू थार का चीट कोड जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलो मैं आपको फटाफट न्यू थार का चीट कोड बता देता हूँ। तो दोस्तों अपने न्यू थार का चीट कोड होने वाला है 9191। जैसे दोस्तों आप 9191 डायल करोगे तो अपने गेम के अंदर न्यू थार स्पॉन हो जाएगी। और दोस्तों आप काफी इजी तरीके से इसको स्पॉन कर सकते हो और इसका कलर वगैरह भी मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो काफी ही कूल देखने में लगती है अपनी न्यू वाली थार, जिसका कलर आप लोग कुछ इस प्रकार से कोई भी कलर इसके ऊपर चेंज कर पाओगे। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ओल्ड थार रिमूव नहीं करनी थी तो दोस्तों रोहित सर से बोल के ओल्ड थार को भी एड करवा लिया है। चलो मैं आपको फटाफट ओल्ड थार का चीट कोड भी बता देता हूँ और ओल्ड थार को स्पॉन करके बता देता हूँ। तो दोस्तों अपनी ओल्ड थार का चीट कोड होने वाला है 9090। जो दोस्तों अपना पुराना चीट कोड था वही अपनी मॉडिफाइड थार का चीट कोड होने वाला है। आप लोग देख सकते हो अपने गेम के अंदर से ओल्ड थार को रिमूव नहीं की गई, उसका कारण दोस्तों ये है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, इसलिए दोस्तों रोहित सर ने फिर से अपनी ओल्ड थार को यानी मॉडिफाइड थार को दोस्तों गेम के अंदर एड कर दिया गया है और ना दोस्तों इसको रिमूव किया है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है तो कर देना। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने तीसरी गुड न्यूज के बारे में। तो दोस्तों अपनी तीसरी गुड न्यूज सबसे बड़ी गुड न्यूज है अपने RGS टूल के फ्यूचर के बारे में। चलो दोस्तों इसका न्यू फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ। चलो दोस्तों मैं आपको फटाफट अपने RGS टूल के बारे में बता देता हूँ कि RGS टूल में न्यू फ्यूचर कौन सा है। जैसे दोस्तों आप अपने NPC के ऊपर फायर करते थे तो आपका NPC आपके ऊपर अटैक करता था, लेकिन दोस्तों अपने पहले वाले अपडेट के अंदर अब लोग अपने वैल्यू सिलेक्टर से अपने NPC को किल कर पाते थे, लेकिन दोस्तों इस बार अपने RGS टूल का न्यू फीचर काफी खतरनाक आया है। जैसे दोस्तों आप अपने RGS टूल के अंदर अटैक यानी दोस्तों AttackK जैसे टाइप करोगे और उसको यहाँ पे अटैक के अंदर सेव कर दोगे तो आपका यहाँ पे अटैक मोड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अपना स्पाइनासोरस डायनासोर है वो दोस्तों आप लोगों को NPC को किल करेगा। जैसे आप लोग किसी NPC के ऊपर फायर करोगे तो वो अटैक लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, इस NPC के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे फायर किया तो अपने जो स्पाइनासोरस डायनासोर है उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि दोस्तों अपना टारगेट लॉक हो चुका था। जैसे दोस्तों आप किसी भी NPC के ऊपर फायर करोगे तो वहां पे आपका टारगेट लॉक हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हो चुका अपना टारगेट लॉक। और दोस्तों अब आप लोग देखना, ये देखिए कितना ज्यादा खतरनाक NPC को यहाँ पे अटैक हो रहा है और कितना ज्यादा एनिमेशन यहाँ पे ऐड किया गया, कितना खतरनाक एनिमेशन है। दोस्तों मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को ये वाला एनिमेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों आप अपडेट के बाद स्पाइनासोरस डायनासोर के ऊपर अटैक करवा सकते हो। चलो मैं आपको यहाँ पे टारगेट लॉक करके बता देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्पाइनासोरस डायनासोर आपस में अटैक हो चुका है। दोस्तों आप लोग टारगेट मोड को कैसे ऑफ कर सकते हो वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ NPC को और किल करके मैं आपको बता देता हूँ, ताकि
ताकि दोस्तों आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगी कैसे आप लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अपडेट न्यू अपडेट के बाद अपने स्पाइनोसॉरस को कैसे आप NPC के ऊपर किल कर सकते हो। ये तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग इस मोड को कैसे ऑफ करते हो वो फटाफट मैं आपको एडजस्ट टूल का फीचर बता देता हूँ। तो आप लोगों को सीधा एडजस्ट टूल के अंदर आ जाना है और एडजस्ट टूल के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से फिर से अटैक को टाइप कर लेना और अटैक के बाद दोस्तों आपको ऑफ को टाइप कर देना और जैसे आप लोग सेव करोगे तो आपका टारगेट मोड ऑफ हो जाएगा। दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से अपने गेम के अंदर एडजस्ट टूल का न्यू फीचर आया है। और दोस्तों अपडेट आने से पहले कुछ और फीचर भी आने वाले अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर एडजस्ट टूल के, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे न्यू फीचर बता दूंगा अपने एडजस्ट टूल के और दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से न्यू चीजें ऐड होने वाली वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चेंज के बारे में, क्या होने वाला अपना नेक्स्ट चेंज और क्या होने वाला उसके अंदर नेक्स्ट फ्यूचर। चलो दोस्तों उससे पहले मैं आपको न्यू थार को एक बार स्पॉन करके बता देता हूं। तो दोस्तों आपने गेम के अंदर 5151 दोस्तों 9191 जैसे डायल करोगे तो आपकी न्यू वाली जो थार है वो इजीली स्पॉन हो जाएगी। और स्पाइनोसॉरस का क्या चीट कोड होने वाला है, जैसे दोस्तों आप गेम के अंदर 52 यानी 52 को डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर स्पाइनोसॉरस डायनासोर स्पॉन हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफी खतरनाक गुड न्यूज है। अब दोस्तों चलो मैं आपको फटाफट नेक्स्ट गुड न्यूज बता देता हूँ कि नेक्स्ट गुड न्यूज क्या होने वाली है अपने गेम की, जो कि अपडेट के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अपने बीच का जो पानी है उसका कलर चेंज होने वाला है। आप लोगों को पता है अपना जो पानी था दोस्तों वो पहले कुछ अलग कलर का था दोस्तों, लेकिन अपडेट के बाद आपको पानी कुछ इस कलर का देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को ये वाला पानी सबसे ज्यादा बेस्ट लगा या दोस्तों अपना जो ओल्ड वाटर था वही सबसे बेस्ट लगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है अपने निशान GTR कार के ऊपर, क्या दोस्तों अपने गेम के इस वाले अपडेट में आपको निशान GTR कार चाहिए, दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलो दोस्तों उसके वर्क के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों अपने रोहित सर ने उसका वर्क कंप्लीट करने के लिए उसका मॉडल भी ढूंढ लिया था, लेकिन दोस्तों उसका मॉडल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों उन्होंने मेरे को मॉडल भी सेंड किया था लेकिन मॉडल कंप्लीट ना होने की वजह से दोस्तों इस अपडेट में आपको निशान GTR देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन दोस्तों मैं आपको 100% कंफर्म बता देता हूं कि आपको नेक्स्ट अपडेट के अंदर निशान GTR कार देखने को मिल जाएगी। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट फ्यूचर के बारे में। तो दोस्तों अपना लास्ट फ्यूचर होने वाला है अपने TRX डायनासोर का चीट कोड, क्या होने वाला है चलो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो दोस्तों आप गेम के अंदर अपने फोन के अंदर जैसे 51 यानी 51 जैसे डायल करोगे तो अपना TRX डायनासोर इजी तरीके से स्पॉन हो जाएगा। आप लोग दोस्तों अपने TRX डायनासोर को कहीं पे भी स्पॉन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप अपने स्पाइनोसॉरस डायनासोर की तरह से अपने TRX डायनासोर को NPC के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो। ओनली दोस्तों आप अपने TRX डायनासोर को अपने कहीं पे भी स्पॉन करके उसको घुमा सकते हो, लेकिन अपने स्पाइनोसॉरस डायनासोर से आप अपने NPC को किल कर पाओगे अपने आरजेस टूल के फ्यूचर की वजह से। उसको डालो आपको एक्टिवेट करना होगा अपने अटैक मोड को, तभी आप लोग अपने स्पाइनोसॉरस डायनासोर से अटैक कर पाओगे। और दोस्तों आप अपने आरजेस टूल में फिर से अटैक मोड को ऑफ भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आपको मैं फटाफट बता देता हूं अपने ब्रेक्सोरस डायनासोर का क्या चीट कोड होने वाला है। तो दोस्तों अभी तक उसका मॉडल कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों उसके जो चीट कोड है वो अभी कंफर्म नहीं हुए। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों मैं कल अपलोड करूंगा उसके अंदर आपको ब्रेक्सोरस डायनासोर का चीट कोड भी बता दे दूंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि दोस्तों मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अपडेट से रिलेटेड सारी के सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं और अपडेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उन वीडियो के अंदर मैं बता देता हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ही ऑल पे प्रेस करके रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और दोस्तों आपको इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करवानी उसके लिए दोस्तों आपको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भर भर के कमेंट करने होंगे, तभी दोस्तों आप अपने इस वाले अपडेट के अंदर कोई और न्यू चीज को ऐड करवा सकते हो, जैसे दोस्तों न्यू डायनासोर फिश वगैरह पानी के अंदर फिश रखने के लिए मछलियों के लिए ऐड करवानी है दोस्तों उसके लिए भी कमेंट कर देना। और दोस्तों न्यू बिल्डिंग या न्यू हाउस भी आप लोग ऐड करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर, आपसे करते हैं टाटा एंड बाय बाय।